हाय, मैं हूं अयास और आप देख रहे हो आउट ऑफ द बॉक्स। आज टेक्नोलॉजी एंड मोबाइल फोन्स की दुनिया से मैं आपके लिए क्या लेके आया हूं, चलो जानते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स में आप देखोगे आज मोटरोला के मिड रेंज फोन मोटो एच 50 नियो का लॉन्ग टर्म रिव्यू। साइबर सिक्योरिटी में जानेंगे कि कैसे साइबर क्रिमिनल्स आपके भाई आपकी बहन की आवाज में आपको कॉल करके आपका बैंक अकाउंट खाली कर सकते हैं। इसके अलावा जानेंगे वो ट्रिक जिसमें फोन चोरी हो जाने के बाद भी कोई आपके फोन का गलत इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। लेकिन सबसे पहले जानते हैं टेक की दुनिया से आ रही कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स। फ्यूचर में आप अपने फोन की डिस्प्ले को जितना चाहो उतना स्ट्रेच कर पाओगे, उसका साइज बढ़ा पाओगे। LG ने दुनिया का पहला स्ट्रेचेबल डिस्प्ले बना लिया है जिससे आप रबर की तरह खींचकर बड़ा कर सकते हैं। साइज के साथ साथ इस डिस्प्ले का शेप भी चेंज हो सकता है। LG का स्ट्रेचेबल डिस्प्ले अभी डेवलपिंग फेज में है। मेटा के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग दुनिया का सबसे बड़ा AI डेटा सेंटर सेटअप करने जा रहे थे, मगर उनके इस प्लान को मधुमक्खियों ने फेल कर दिया। अमेरिका में जिस जगह जुकरबर्ग के डेटा सेंटर बनाने वाले थे उस जगह पर मधुमक्खियों की एक रेयर स्पीसी मिली, जिसके बाद उन्हें काम रोकना पड़ा। AI के बढ़ते इस्तेमाल की वजह से नौकरियों पर असर पड़ना शुरू हो गया है। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि AI की वजह से राइटिंग, कोडिंग और इमेजिंग से जुड़ी नौकरियों में 30% तक की कमी आई है। ये AI का शुरुआती असर है, आगे कर दिक्कत और बढ़ सकती है। यह बात आपको समझ आएगी अब अगले अपडेट से। अमेरिका में एक रोबोट की बनाई हुई पेंटिंग 11 करोड़ रुपए में बिकी है। रोबोट ने एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन की पेंटिंग बनाई थी। AI डा नाम का ये ह्यूमनॉइड रोबोट ऑक्सफोर्ड के एक आर्ट डीलर ने AI एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर बनाया है। 2022 में इस रोबोट ने पेंटिंग बनाना शुरू किया था। US के नए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के घर की सिक्योरिटी का काम आजकल रोबोटिक डॉग्स कर रहे हैं। इस रोबोटिक डॉग का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें ट्रंप के घर की लॉन में ड्यूटी पर लगा हुआ है। आउट ऑफ द बॉक्स में देखते हैं मोटो H50 का रिव्यू। भाई रिव्यू बाद में करना यार, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्या हुआ? अरे मेरे दोस्त का फोन चोरी हो गया यार। वो बाद में कर लेंगे रिव्यू कर लेंगे। अरे नहीं यार, उसकी सिम थी उसमें। अच्छा बता क्या हुआ। देखो मोबाइल के अंदर सिम होती है और सिम के अंदर आते हैं OTPs। OTP से आपके अकाउंट हैक हो सकते हैं, तो उसके अंदर तो वो सिम चली गई। लेकिन अब उसका क्या भाई? उसका तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन तुम्हारे साथ ये ना हो तो उसके लिए फोन में सिम लॉक लगा लेना। कैसे? वही आज आपको बता रहा हूँ। वैसे तो हम सब अपने फोन्स में ना लॉक लगा के रखते हैं, लेकिन हमारा सिम लॉक नहीं होता। आपका सिम यूज करके चोर आपके बैंक अकाउंट, गूगल पे, फोन पे जैसे अकाउंट्स को एक्सेस कर सकता है, बिकॉज आपके पासवर्ड रीसेट मैसेज इन सारे OTP ना आपके सिम पे आते हैं। उनके जरिए वो आपके सारे जो बैंक अकाउंट्स हैं ना, जितने भी आपके पास हैं, वो सब खाली हो जाएंगे, कुछ नहीं छोड़ेगा। ऐसे फ्रॉड से बचने के लिए आपको क्या करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सो आपको सिम लॉक ऑन कर लेना है अपने फ़ोन पे। इसके लिए सेटिंग्स में आपको जाना है और सर्च बार में ना सिम लॉक टाइप करना है बस। फिर सिम लॉक के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है एंड लॉक सिम को ऐसे ऑन कर देना है एंड फिर आपको सिम पासवर्ड सेट कर देना है। अब अगर आपका फ़ोन चोरी हो जाता है तो चोर सबसे पहले फ़ोन ही ऑफ करता है ताकि कॉल्स ना आए, और अगर उसने आपका फोन एक बार भी ऑफ किया तो फिर ऑन करने पर वो सिम यूज नहीं कर पाएगा, क्योंकि सिम तो लॉक है ना भाई, आपने लॉक कर दिया। मैंने ट्रिक आपको बता दी, आपने सुन ली। आउट ऑफ द बॉक्स में अब देखते हैं मोटो एच 50 का लॉन्ग टर्म रिव्यू। ये फोन आपको लेना चाहिए या फिर नहीं, यही बता रहा हूं। मोटो 50 नियो को जब आप देखोगे ना, तो सबसे पहले जो चीज़ आपको ट्रैक करेगी, जो चीज़ आपको इम्प्रेस करेगी, वो है इसका साइज़। बढ़िया कॉम्पैक्ट फ़ोन बनाया मोटो ने। हाथ में बिल्कुल भी जब आप होल्ड करोगे ना, बड़ा नहीं लगेगा, एकदम कंफर्टेबल है होल्ड करने में। ग्रिप जो है वो भी बड़ी सॉलिड आ रही है। साइज़ के बाद आप कलर देखो इसका, ये रेड कलर का वेरियंट है जो मोटो ने भेजा है इस फ़ोन का। मोटो इसको पेंटोन पोंसियाना वेरियंट कहता है एंड फ़ोन दिखने में मस्त लगता है। पिछले कुछ वक्त से मोटोला अपने फ़ोन में ना वीगन लेदर बैक रहा है, आप जानते होंगे काफी फोन्स में, एंड यहां पर भी सेम है। ये वीगन लेदर बैक पैनल एक सॉफ्ट टच फिनिश के साथ आता है। जब आप इसको टच करोगे यहां पे प्रीमियम फील आती है। यहां ऊपर की तरफ आपको तीन कैमरास दिखेंगे, एक LED फ्लैश है। कैमरा हाउसिंग पे भी ना आप देखो ना, यहां पे डिटेल्स बहुत सारा आपको दिखेंगे। सो डिजाइन पर तो लगता है मोटो ने काफी काम किया इस बार। साइज जो है वो फ्लैट है,
सेम रेड कलर आपको फ्रेम पे दिखेगा। फोन का वेट भी काफी कम है, 171 ग्राम इसका वेट है और थिकनेस भी 8.1 mm है। सो डेली यूज के लिए बढ़िया फोन बनाया है डिजाइन एंड साइज के हिसाब से। एक और अच्छी चीज यहाँ पे है कि IP68 रेटिंग के साथ फोन आ रहा है। सो पानी में आप इसे बिना टेंशन के यूज कर सकते हो, धो वो लेना फोन कहीं नहीं जाएगा। फोन में 6.4 inch का प्योलेट पैनल यूज किया है मोटो ने। ये 10-bit पैनल है, बढ़िया लगता है दिखने में। अच्छे शार्प कलर्स स्क्रीन पे आपको दिखेंगे जब आप फोन को यूज करोगे। HDR10+ का सपोर्ट आपको यहाँ पे मिल रहा है। अगर आप फोन पर वीडियोस देखते हो, मूवीज देखते हो, तो डिस्प्ले आपको अच्छी लगेगी, पसंद आएगी। शार्पनेस और क्लैरिटी भी डिस्प्ले की इंप्रेसिव है। रिजोल्यूशन 1.5K है एंड ये LTBO पैनल है। रिफ्रेश रेट को ऑटोमेटिकली 0 से 120 Hz पर एडजस्ट करता है एंड इस रेंज में मुझे वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले लगी परफॉर्मेंस के हिसाब से। 120 Hz रिफ्रेश रेट आपको यहाँ पे मिल रहा है। फोन पर स्क्रोल करते हुए, नेविगेट करते हुए एक्सपीरियंस स्मूथ रहा मेरा। ब्राइटनेस भी काफ़ी है डिस्प्ले की, 3000 nits तक पीक ब्राइटनेस है मोटो क्लेम कर रहा है एंड मुझे अच्छी ब्राइट डिस्प्ले लगी है। ये बाहर आउटडोर्स में भी कंटेंट इंटेक्स अच्छे से विजिबल रहा। कैमरा में ट्रिपल कैमरा सेट जैसे मैंने आपको बताया आपको फोन में मिल रहा है। 50 MP का प्राइमरी सेंसर है, 13 MP का अल्ट्रावाइड लेंस है और 10 MP का टेलीफोटो लेंस है। 3x ऑप्टिकल जूम, ऑन पेपर सॉलिड स्पेक्स लगते हैं एंड परफॉर्मेंस भी यार बढ़िया है। डे लाइट में कैमरा काफ़ी शार्प एंड वाइब्रेंट फोटोज क्लिक करता है। आप ये फोटो देखो, कलर्स आपको यहाँ पे अच्छे दिखेंगे, डिटेल्स आपको काफ़ी दिखेंगी। सिमिलरली इस फोटो में भी अच्छे कलर्स कैमरा कैप्चर कर रहा है। स्किन टोन भी क्लोज टू नेचुरल है, थोड़ा सॉफ्ट कर देता है बट एंड रिजल्ट जो है वो काफ़ी सही आ रहा है, फोटोज़ अच्छे आते हैं। पोर्ट्रेट शॉट्स में एज डिटेक्शन भी डिसेंट है, एज पर डिस्ट्रॉक्शन आपको नहीं दिखेगा। टेलीफोटो लेंस की बात करें तो वो भी अच्छा परफॉर्म करता है। अगर आप 2x पे जाओगे, 3x पे जाओगे तो फोटोज़ में शार्पनेस आपको दिखेगी। अल्ट्रावाइड शॉट्स भी आप देखो सही से कैप्चर कर रहा है कैमरा, मतलब अच्छे फोटोज़ ले रहा है। 32 MP का सेल्फी कैमरा यहाँ पे एंड इससे भी सेल्फीज अच्छे आते हैं बट पोस्ट प्रोसेसिंग में ना आप देखो थोड़ा सा टाइम लगाता है, 1-2 सेकंड लेता है थोड़ा। इमेज जब आप कैप्चर कर रहे होगे तो अलग दिखेगी, रिजल्ट थोड़े से रिफाइन करके देगा है बट एंड रिजल्ट जो है वो अच्छे आ रहे हैं। आप देखो इस फोन में मोटोरोला ने डिमेंसिटी 7300 यूज किया है, एक डिसेंट मिड रेंज चिपसेट है ये, लेकिन 16-17 हज़ार रुपए की जो रेंज में फोन आते हैं उनमें मिल जाता है आपको डिमेंसिटी 7300। HFT नियो में इसकी परफॉर्मेंस मुझे डिसेंट लगी, मैंने कोई लैग फेस नहीं किया फोन को यूज करते हुए। डेली यूज में, डेली टास्क और मल्टीटास्किंग में मुझे स्मूथ परफॉर्मेंस मिली। सोशल मीडिया ऐप्स वगैरह चलाने में कोई दिक्कत नहीं आई। मल्टीपल ऐप्स भी अगर बैकग्राउंड में ऑपरेट किए मैंने चलाए तब भी फोन में कोई मेजर लैग मैंने नोटिस नहीं किया। अगर आप मॉडरेट यूजर हो जो सोशल मीडिया ऐप्स चलाते हो, इंस्टा, व्हाट्सएप, फेसबुक, वीडियोज फोन में देखते हो, ब्राउजिंग वगैरह करते हो, क्रोम में कई टैब वगैरह खोलते हो, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी इस फोन पे। गेमिंग में भी फोन डिसेंट है, मीडियम सेटिंग्स पे गेम्स स्मूथली चलते हैं। हाँ, लॉन्गर ड्यूरेशन में फ्रेम रेट जो है वो ड्रॉप होते हैं। अगर आप हैवी गेमिंग करते हो, प्रो गेमर हो, तो आप इसको स्किप कर सकते हो। 8GB रैम है यहाँ पे, 256GB स्टोरेज है और सिंगल वेरिएंट ही है फोन का, मतलब 8GB रैम, 256GB का जो सिंगल वेरिएंट है उसी में ये फोन आता है। एंड्रॉइड 14 फोन में है विद मोटोरोला की हेलो UI स्किन। नियर स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस आपको फोन में मिल रहा है। फोन जब आप चलाओगे तो स्मूथ एंड स्नैपी फील होगा मोटो के दूसरे फोन की तरह और इसमें आपको 5 साल तक के एंड्रॉइड एंड सिक्योरिटी अपग्रेड्स जो है वो मिलेंगे, सो बढ़िया है। बैटरी 4310 mAh की है, बैटरी पावर कंपेयर टू अदर फोन आपको कम लगेगी इस रेंज में। 68W फास्ट चार्ज मोड आपको यहाँ पे मिल रहा है जो इनफ है, मतलब बैटरी पावर इज डिसेंट। सो ये था मेरा एक्सपीरियंस मोटो एज 50 नियो के साथ। क्या आपको ये फोन लेना चाहिए? सो अगर आपको एक ऐसा फोन चाहिए जो दिखने में बढ़िया लगता हो, मस्त लगता हो दूर से और पास से, बहुत बड़ा नहीं हो, कंफर्टेबल हो हाथ में होल्ड करने के लिए, डिस्प्ले अच्छी हो एंड कैमरा भी सॉलिड फोटोज लेता हो, परफॉर्मेंस डिसेंट हो, तो इस रेंज में मुझे बेस्ट फोन लगा। जो लोग ज्यादा गेमिंग करते हैं वो इसको स्किप कर सकते हैं। आजकल साइबर क्रिमिनल्स वॉइस क्लोनिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके लोगों के बैंक अकाउंट खाली कर रहे हैं। वॉइस क्लोनिंग स्कैम क्या है, आप कैसे इससे बच सकते हैं, यही बता रहा हूं। आजकल मार्केट में नए नए तरीके के साइबर फ्रॉड चल रहे हैं, उनमें से एक ही है जिसकी बात परेशान कर रहा था। इसमें आपके पास एक कॉल आएगा जिसमें आपका भाई हो सकता है, आपके बच्चे हो सकते हैं, कोई क्लोज रिलेटिव हो या फिर इवन दोस्त, आपसे बोलेगा कि भाई मैं किसी प्रॉब्लम में फंस गया हूँ, इमरजेंसी सिचुएशन है, कोई मेडिकल इशू है, एक्सीडेंट हो गया या फिर कुछ भी ऐसा, और आप मुझे 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, 50,000 रुपये अभी ट्रांसफर कर दो। मैं दोस्त के नंबर से कॉल कर रहा हूँ आपको, अपने नंबर से कॉल भी नहीं कर सकता, शाम तक मैं आके आपको सारे पैसे आपके वापस कर दूंगा। अब आपका दोस्त या आपका भाई आपको ऐसे बोलेगा तो आप एकदम से ऑफकोर्स यार मैं भी चौंक ही जाऊंगा, इवन पैनिक कर जाएंगे कि भाई ऐसी क्या दिक्कत आ गई है, कि कोई सीरियस मैटर तो नहीं आ गया।
तो मैं इसको भाई अभी पैसे ट्रांसफर कर देता हूँ, शाम को तो मिल ही जाने हैं, भाई अपना वापस दे देगा आपको, व्हाट्सएप पे QR कोड भी भेज देगा जिसपे आपको पैसे भेजने, आप कर दो क्योंकि आप शाम को तो मिल ही जाने हैं पैसे। बाद में जब आप भाई को या फिर दोस्त को ना हाल चाल जानने के लिए कॉल करोगे तो वो कहेगा कि भाई मैंने तो आपको कोई कॉल नहीं किया था, मैंने कोई पैसे नहीं मांगे, तब आपको रियलाइज होगा कि भाई आपके साथ फ्रॉड हो गया, साइबर फ्रॉड। इस तरह के साइबर फ्रॉड में साइबर क्रिमिनल्स ने आपके भाई की आवाज को क्लोन किया AI वॉइस क्लोनिंग यूज करके, वो सब कुछ बुलवाया जो आपने सुना एंड आपको लगा कि आपका भाई बात कर रहा है एंड आप फंस गए। एंड ये भी समझना आप इंपॉर्टेंट है कि जिस आवाज को उसने क्लोन किया नहीं, आपके भाई की आवाज उस तक पहुंची कैसे, तो इसके लिए उसने ज्यादा कुछ नहीं किया, एक सिंपल सी ट्रिक इस्तेमाल की, उसने आपके भाई को कॉल किया, उसने इधर उधर की बात की कॉल करके, फॉर एग्जांपल कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बनके उसने कॉल किया, आजकल क्रेडिट कार्ड्स वाले बहुत कॉल करते हैं, ऐसे ही कोई एग्जीक्यूटिव बनके उसने कॉल किया, दो तीन मिनट इधर उधर की बात की और उसकी आवाज़ को रिकॉर्ड कर लिया। अब जब आवाज़ उसने रिकॉर्ड कर ली तो उसको AI वॉइस क्लोनिंग सॉफ्टवेयर में डाल के अब वो जो जाएगा वो आपके भाई की आवाज़ में उससे बुलवा लेगा। ये ट्रिक यूज़ करके उसने आपको कॉल किया एंड आपको लगा कि आपका भाई कॉल कर रहा है और फिर आप पूरे इस स्कैम में फंस गए। ऐसे AI वॉइस क्लोनिंग स्कैम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो आप इनसे बच के रहना। कैसे बचना है ये भी बता देता हूँ आपको, तो इसमें इससे बचने की ना मास्टर ट्रिक ये है कि भाई आपको कभी पैनिक नहीं करना है। कोई भी ऐसा कॉल आपके पास आता है इसमें आपसे पैसे मांगे जाए, QR कोड मांगे जाए, कोई भी मांगे, भाई मांगे, दोस्त मांगे, कुछ भी, तो सबसे पहले पैनिक नहीं करना, उसको बोलो कि भाई अपने नंबर से कॉल करें पहले तो, या फिर आप उसके नंबर पर कॉल कर लो, या फिर वेरीफाई करने के लिए ना उसके बारे में कोई पर्सनल क्वेश्चन आप कर सकते हो उसे कि भाई तुम्हारे घर का नाम क्या है वो बता दो, पेरेंट्स का नाम क्या है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो आपको लगता हो साइबर क्रिमिनल्स या फिर बाहर वालों को नहीं पता होगा उसको ही पता होगा, जानने वालों को। जहां आपने ऐसा क्वेश्चन किया तो साइबर क्रिमिनल ना हो जो भी बंदा होगा फोन काट के भाग जाएगा। और एक और तरीका है कि जब आपको ऐसा कॉल आए तो आप ना उसकी आवाज को ध्यान से सुनो, अगर आपको लगता है कि रोबोटिक आवाज आ रही है, कुछ अजीब सी आवाज है, कुछ भी आर्टिफिशियल सी लगती है, तो समझ लेना कि भाई वो AI से क्लोन की हुई आवाज है एंड फोन काट देना, जान बच जाएगी, मतलब पैसे बच जाएंगे। आउट ऑफ द बॉक्स में आज इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगले हफ्ते, तब तक टेक केयर।